नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित धामपुर की। एक तरफ जहां देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर लोगों में भेदभाव है, तो वहीं धामपुर के रहने वाले मोहम्मद सलीम अहमद हर साल महाशिवरात्रि के त्यौहार पर अपने हाथों से कांवड़ बनाकर बेचने का काम करते हैं। मोहम्मद सलीम अपने हाथों से कांवड़ बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। बता दें कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार है। ऐसे में मुस्लिम कारीगर मोहम्मद सलीम का परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से कई कांवड़ बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। धामपुर के मेन पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाले मोहम्मद सलीम अहमद का परिवार पिछले 50 वर्षों से शिव भक्तों के लिए कांवड़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से ये काम होता आ रहा है। सलीम का परिवार सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण बना हुआ है। सलीम अहमद बताते हैं कि पहले उनके दादा अब्दुल मजीद ने यह काम शुरू किया था। अब उनका काम लकड़ी की चिक और अन्य सामान बनाने का है, लेकिन साथ ही महाशिवरात्रि के पर्व के चलते वह बड़ी संख्या में कांवड़ भी बनाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग पहले से ऑर्डर भी देते हैं, लेकिन करीब 1 हफ्ते तक चलने वाले काम के दौरान वह 50 से 70 कांवड़ तक बनाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते काम बिल्कुल बंद था, लेकिन इस बार अभी तक लगभग 15 कांवड़ बिक चुकी हैं। क्या नाम है आपका? सलीम अहमद। सलीम जी, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? ये दाद दिलाई काम है। वैसे लगभग कितने साल हो गए होंगे? 50-55 साल हो गए। अच्छा, जैसे आपको 2 साल से कोरोना काल में आपके सामने दिक्कत आई होंगी, तो इस वर्ष क्या लगता है आपको, काम अच्छा चल रहा है, कैसा है? बस अभी तो कुछ ऐसा नहीं खास है, अभी और समय है ना, अभी समय आने पर ऐसा लगा कि माल निकलेगा या नहीं निकलेगा। अच्छा, कोई और कोई ऐसी कठिनाई आपके सामने पेश करनी पड़ी वैसे कुछ और? हाँ, अभी ऐसी कोई, बाकी सब अच्छा चाहिए। हाँ सर। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।